हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइन विद निधि में। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी स्मूदी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ से 10 से 15 स्ट्रॉबेरी के पीसेज को मैंने चॉप कर लिया है एंड इसको मिक्सर जार में डाल दिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने डबल टोन्ड मिल्क लिया है। जैसा कि टाइटल से आपको पता चला होगा, लो फैट लो कैलोरी और हेल्दी स्मूदी रेसिपी है। तो यहाँ पर दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका रीज़न ये है, मैं भी बताती हूँ आपको। पहले यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर डाला है, चीनी नहीं डाला है, इस क्योंकि चीनी जो होता है थोड़ा सा रिफाइंड होने की वजह से अनहेल्दी हो जाता है। जैगरी पाउडर प्योर होता है, इसलिए हेल्दी रहता है। तो मैंने आपको बताना था कि मिल्क क्यों कम डाला। मिल्क इसलिए कम डाला ताकि अगर पूरा मिल्क डाल देते तो स्ट्रॉबेरी जो घूम रही है, अच्छे से पीस रही है, वो नहीं पीसती, वो घूम जाती है उसमें ब्लेड के साथ साथ। इसलिए कम कम डाल करके हम इसको घुमाएंगे। तो एक बार मैंने घुमा दिया, अच्छे से पिस गई। इसके बाद भी थोड़े से चंक रह ही जाते हैं क्योंकि वो घूम ही जाते हैं, स्ट्रॉबेरी स्लिप कर जाती है उसके अंदर। तो अब सारे मिल्क डाल कर इसको घुमा देना है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाती है। एंड आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा है, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है। अगर आप वेट लॉस की पर्पज़ से देखते हैं और वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इसको आराम से पी सकते हैं बिना डर के कि हाँ स्मूदी पीने से वेट बढ़ जाता है एंड ऑल। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बना था ये रेसिपी, और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी मैं डालूं उसको भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आपका सजेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा रेसिपी अपलोड करने में एंड मोटिवेट भी करेगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।